हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब? आई होप सब बढ़िया होगा बेटा, पढ़ाई एकदम बढ़िया चल रही है। तो चलो रे ऑप्टिक्स का बेटा नेक्स्ट पार्ट लेके आए हैं आज, और लास्ट टॉपिक हमारा बचा हुआ था रे ऑप्टिक्स का टेलीस्कोप। आज हम बेटा स्टडी करेंगे टेलीस्कोप की। तो देखो बेटा, टेलीस्कोप होता क्या है? टेलीस्कोप आपने देखा होगा रियल लाइफ में भी अपने। टेलीस्कोप से हम क्या करते हैं बेटा, टेलीस्कोप से हम जो हमारी हेवनली बॉडीज हैं, जो हमारे अर्थ सरफेस से बहुत ज्यादा दूर हैं, जैसे स्टार्स, मून या अदर प्लैनेट्स या सन, इन सब की इमेजेस हम देखते हैं बेटा टेलीस्कोप से, है ना। पिछली लास्ट वीडियो में हमने माइक्रोस्कोप पढ़ा था, आई होप वो वीडियो आपने देखी होगी और बहुत अच्छे से आपको माइक्रोस्कोप समझ आया होगा। अगर नहीं देखी है तो बेटा पहले माइक्रोस्कोप वाली वीडियो जरूर देख लें, क्योंकि जैसे हमने माइक्रोस्कोप में माइक्रोस्कोप की मैग्नीफाइंग पावर निकाली थी, वैसे ही हम आज यहाँ टेलीस्कोप में उसकी मैग्नीफाइंग पावर निकालने वाले हैं। तो पहले उस वीडियो को अच्छे से देख लो, माइक्रोस्कोप समझ लो, फिर टेलीस्कोप बहुत अच्छे से समझ आएगा। टेलीस्कोप एक ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट है जिससे हम हेवनली बॉडीज लाइक स्टार्स, मून, सन, प्लैनेट एटसेट्रा, इन सब की देखेंगे इमेजेस। बात समझ आई बेटा? चलो स्टार्ट करते हैं। देखो टेलीस्कोप बेटा हमें दो टाइप के पढ़ रहे हैं यहां। एक तो हमें पढ़ रहे हैं रिफ्रेक्टिंग टाइप टेलीस्कोप, रिफ्रेक्टिंग टाइप टेलीस्कोप, और एक हमें पढ़ने हैं रिफ्लेक्टिंग टाइप टेलीस्कोप। रिफ्लेक्टिंग टाइप टेलीस्कोप, देखो बेटा नाम से ही आपको समझ आ रहा होगा रिफ्रेक्टिंग टाइप टेलीस्कोप क्या होगा, रिफ्रेक्शन होगा। रिफ्रेक्शन होने का मतलब बेटा इसमें हम लेंसेज का यूज करेंगे। रिफ्लेक्टिंग टाइप टेलीस्कोप, ये भी आपको नाम से ही समझ में आ रहा होगा। रिफ्लेक्टिंग टाइप टेलीस्कोप मतलब रिफ्लेक्शन होने वाला है। रिफ्लेक्शन होने वाला, रिफ्लेक्शन किससे होता है? मिरर से होता है, तो इसमें हम मिरर्स का यूज करेंगे। यानी मिरर्स से भी टेलीस्कोप बनते हैं और लेंसेज से भी टेलीस्कोप बनते हैं, है ना। रिफ्लेक्टिंग टाइप टेलीस्कोप में बेटा हमें पढ़ना है एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप, ठीक है बेटा। और रिफ्लेक्टिंग टाइप में हमें दो पढ़ने हैं, कैसीग्रेन टेलीस्कोप और दूसरा पढ़ना है बेटा न्यूटोनियन टेलीस्कोप। ये तीन टेलीस्कोप की आज हमें स्टडी करनी है बेटा। टेलीस्कोप क्या होता है? टेलीस्कोप हेवनली बॉडीज की इमेजेस को दिखाता है हमें। हेवनली बॉडीज जो हमारे अर्थ सरफेस से बहुत दूर हैं, जैसे कि प्लैनेट, अदर प्लैनेट जो हैं, सन, मून, स्टार्स, है ना, इन सब की इमेजेस हमें दिखाएगा टेलीस्कोप। दो टाइप के होते हैं, रिफ्रेक्टिंग टाइप जिसमें रिफ्रेक्शन होगा, लेंसेज यूज होंगे, रिफ्लेक्टिंग टाइप जिसमें रिफ्लेक्शन होगा, मिरर्स यूज होंगे। अब बेटा याद करो जरा, मैग्नीफाइंग पावर की बात हो रही थी माइक्रोस्कोप में, जो होता था बीटा अपॉन अल्फा। यहां भी हमें मैग्नीफाइंग पावर जो है इसी फॉर्मूले से निकालनी है, मैग्नीफाइंग पावर बीटा अपॉन अल्फा। बीटा क्या होता था? एंगल सबटेंडेड, ये बेटा बेसिक सी चीज फिर से याद दिला रहा हूं मैं आपको। बीटा क्या होता था? एंगल सबटेंडेड बाय फाइनल इमेज फ्रॉम आई, ये होता था बीटा। जो माइक्रोस्कोप में होता था बीटा, अभी भी वही है, जो फाइनल इमेज टेलीस्कोप बनाएगा हमारी आई से, जो उस इमेज का एंगल सबटेंड होगा, दैट इज बीटा। अल्फा होता था बेटा माइक्रोस्कोप में। माइक्रोस्कोप में अल्फा क्या था? जिस भी पार्टिकल की हम इमेज को मैग्निफाई कर रहे हैं, उस पार्टिकल को जब हम डिस्टिंक्ट विजन यानी 25 सेंटीमीटर नियर पॉइंट पे रखते थे, तब जो एंगल बनता था अल्फा होता था। अब यहां तो ऑब्जेक्ट बेटा इन्फिनिटी पे है, यहाँ तो ऑब्जेक्ट बहुत दूर है, हेवनली बॉडी देख रहे हैं ना, स्टार्स वगैरह। अब उस ऑब्जेक्ट को तो डिस्टिंक्ट विजन पर लाएंगे नहीं, यहाँ अल्फा चेंज हो जाता है। यहाँ अल्फा होता है बेटा एंगल सबटेंडेड बाय ऑब्जेक्ट फ्रॉम आई। अब हम जो अपनी नॉर्मल आई से विदाउट एनी टेलीस्कोप, विदाउट एनी लेंस, जो हम ऑब्जेक्ट देखेंगे, तो हमारी आई उस ऑब्जेक्ट को देखने में जो एंगल सबटेंड करेगी, दैट इज अल्फा, ठीक है। कोई भी ऑब्जेक्ट है ए बी, उसको हम अपनी नॉर्मल आई से अगर देखेंगे, ठीक है, तो ये एंगल जो बनेगा दैट इज अल्फा।
और टेलीस्कोप जब हम यूज करेंगे, टेलीस्कोप ने जो फाइनल इमेज बनाई होगी, उस फाइनल इमेज को जब हमारी आई देख रही होगी वो होगा बीटा। सिंपल माइक्रोस्कोप वाले ही केस है, बीटा तो सेम वही है जो पहले था। फाइनल इमेज का आई से एंगल सबटेंड जो हुआ बीटा, ऑब्जेक्ट का माइक्रोस्कोप में होता था डिस्टिंक्ट विजन पे, यहां डायरेक्ट आई से हम जब ऑब्जेक्ट को देखेंगे तो जो एंगल सबटेंड होगा वो अल्फा होगा। इसका यूज करके बेटा हम माइक्रोस्कोप उसके टेलीस्कोप के जो है डेरिवेशन करने वाले हैं, फॉर्मूला बनाने वाले हैं। इसके अलावा इस टॉपिक से इस चैप्टर में, मतलब इस टॉपिक से इस चैप्टर में सबसे ज्यादा क्वेश्चन जो बोर्ड में पूछा जाता है वो पूछा जाता है कि रिफ्रेक्टिंग और रिफ्लेक्टिंग टाइप टेलीस्कोप में से कौन सा अच्छा है और क्यों। तो उसका आंसर है रिफ्लेक्टिंग टाइप टेलीस्कोप बेटा रिफ्रेक्टिंग टाइप से अच्छा है। क्यों, इस क्यों का आंसर आपको इसी वीडियो में आगे मिलने वाला है। जब हम दोनों टेलीस्कोप की स्टडी कर लेंगे तब बताऊंगा रिफ्लेक्टिंग टाइप टेलीस्कोप क्यों अच्छा है। इतना फिलहाल नोट कर लो, अब इसकी हम स्टडी करने जा रहे हैं। सबसे पहले पढ़ेंगे एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप, सबसे पहले पढ़ेंगे बेटा एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप। चलो स्टार्ट करते हैं। ये तो बेसिक सी वीडियो, बेसिक सा पार्ट था जो मैंने अभी आपको बताया। अब स्टार्ट करते हैं पहला टेलीस्कोप। पहला टेलीस्कोप है एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप, एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप। एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप कौन सा होता है? रिफ्रेक्टिंग टाइप टेलीस्कोप होता है। तो इसमें क्या क्या यूज करेंगे बेटा? लेंसेज यूज करेंगे रिफ्रेक्शन कराना है। देखो इसमें भी हमारे दो लेंसेज लगे होते हैं, एक तो होता है हमारा ऑब्जेक्टिव और एक होता है बेटा आई पीस। माइक्रोस्कोप याद करो, माइक्रोस्कोप में ऑब्जेक्टिव का अपर्चर छोटा था, आई पीस का बड़ा था, यहां उल्टा होता है। ऑब्जेक्टिव का अपर्चर बड़ा होता है, आई पीस का अपर्चर छोटा होता है, याद रखना इस बात को। माइक्रोस्कोप से उल्टा है इसमें। ऐसा देखो एक चीज और इंपॉर्टेंट बताता हूं, इससे मुझे याद आ गया उल्टा क्यों है। देखो माइक्रोस्कोप का काम था बेटा छोटे छोटे पार्टिकल्स के साइज को मैग्नीफाई करके दिखाना, वो जूम करता था ऑब्जेक्ट को। टिनी पार्टिकल्स हम माइक्रोस्कोप से देख रहे थे तो उनकी इमेजेस को मैग्नीफाई करके दिखा रहा था। टेलीस्कोप बेटा मैग्नीफाई नहीं करता। टेलीस्कोप क्या करता है, जिस दूर की हेवनली बॉडी को हम देख रहे हैं, जो डिस्टेंस है अभी बहुत दूर है, उस डिस्टेंस को घटा देता है, यानी उसको पास ले आता है। पास ले आता है तो वो हमें बड़ा दिखने लगता है, अच्छा दिखने लगता है। टेलीस्कोप का काम है पास लेके आना, डिस्टेंस घटाना। माइक्रोस्कोप का काम है जूम करना, मैग्नीफाई करना। ये मैग्नीफाई नहीं करता, ये डिस्टेंस घटाता है, पास ले आता है ऑब्जेक्ट को, जिससे हम स्टार को मून को अच्छे से देख पाए। ठीक है, ये डिफरेंस याद रखना बेटा। चलो आगे देखते हैं। अब ये है हमारा ऑब्जेक्टिव लेंस। ऑब्जेक्टिव क्यों था इसका नाम याद होगा आपको, क्योंकि यहां हम क्या रखते हैं, ऑब्जेक्ट रखते थे, इधर मतलब ऑब्जेक्ट होता था, और इसका नाम होता है आई पीस लेंस। इसका नाम आई पीस लेंस क्यों होता था बेटा, इधर हमारी होती है आई, सिंपल सी चीज। चलो स्टार्ट करते हैं प्रूफ करना। देखो टेलीस्कोप में क्या होता है, टेलीस्कोप में याद रखना, टेलीस्कोप के दोनों लेंसेज को ऐसे एडजस्ट किया जाता है कि इन दोनों की फोकल लेंथ ओवरलैप कर रही हो। ध्यान से देखना, सपोज यहां इसकी फोकल लेंथ है एफ ओ और इधर यहां इसकी फोकल लेंथ है एफ ओ, तो आई पीस की जो फोकल लेंथ होगी वो ऑब्जेक्टिव की फोकल लेंथ को ओवरलैप कर रही होगी। इधर होगा एफ ई और यहां हो गया हमारा एफ ई। माइक्रोस्कोप में ऐसा नहीं था, एफ ई इधर था, एफ ओ इधर था। बस ध्यान से समझना इस चीज को, टेलीस्कोप की एडजस्टमेंट जो की जाती है, टेलीस्कोप की एडजस्टमेंट ऐसी की जाती है कि दोनों लेंसेज की फोकल लेंथ को ओवरलैप करा दिया जाए। देखो आई पीस की इधर है, ऑब्जेक्टिव की इधर है, एफ ओ फोर ऑब्जेक्टिव लेंस की फोकल लेंथ, एफ ई फोर आई पीस की फोकल लेंथ, है ना। माइक्रोस्कोप आपने देखा होगा तो पता है एफ ई एफ ओ क्या है। अब कहानी है सर, ऑब्जेक्ट तो हमारा इंफिनिटी पे है। ऑब्जेक्ट हमारा कहाँ है? ऑब्जेक्ट है इंफिनिटी पे। ऑब्जेक्ट हमारा इंफिनिटी पे है, क्या करें। अच्छा ऑब्जेक्ट से एक पैरेलल रे आई, ऑब्जेक्ट से कुछ पैरेलल रेज लेके आते हैं। एक तो हमारी ये ऑप्टिकल सेंटर से एकदम सीधी चली जाएगी, एक इसी के पैरेलल सपोज यहाँ आई, ये आके फोकल प्लेन के अंदर कन्वर्ज करेंगी दोनों। ये हमारा यहाँ फोकल प्लेन बन रहा है, यहाँ आके ये दोनों कन्वर्ज कर रही हैं।
यानी यहाँ बन रही है एक इमेज, इसको नाम दे देते हैं इमेज का नाम ए डैश बी डैश एफ ओ पे। बिल्कुल घबराओ मत, याद करो फोकल प्लेन क्या था, फोकल प्लेन याद करो, दो पैरेलल रेज, दो पैरेलल रेज, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल नहीं, दो पैरेलल रेज जो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल नहीं होंगी, आपस में पैरेलल होंगी, वो दोनों पैरेलल रेज आके फोकल प्लेन के अंदर मिलती थी जो फोकस पॉइंट वाली लाइन ऑफ एक्शन है उसी पे। तो इन्फिनिटी पे जो एक ऑब्जेक्ट था, इस लेंस ने उसकी एक इमेज बना दी ए डैश बी डैश, इस लेंस का भी कोई यूज नहीं हुआ। ऑब्जेक्टिव लेंस ने ऑब्जेक्ट की एक इमेज बना दी। अच्छा, ऑब्जेक्टिव लेंस बड़ा क्यों लिया है, जिससे वो लाइट रेज को ज्यादा से ज्यादा कलेक्ट कर सके, कन्वर्ज कर सके, उसको ज्यादा से ज्यादा लाइट रेज को कलेक्ट कर रहा है, क्योंकि उस ऑब्जेक्ट पे इन्फिनिटी पे जो ऑब्जेक्ट है उसकी एक इमेज बनानी है, उसने उसकी एक इमेज बना दी ए डैश बी डैश। कोई दिक्कत, पहले लेंस का काम खत्म। अब कहानी आती है वही माइक्रोस्कोप की तरह दूसरे लेंस की। अब ये दूसरे लेंस की कहानी आ गई है ना, अब दूसरे लेंस से देखते हैं क्या होगा, क्या करेगा दूसरा लेंस। अब दूसरे लेंस के लिए देखो, ऑप्टिकल सेंटर और फोकस, इसका फोकल लेंथ क्या है FE, ऑप्टिकल सेंटर और फोकस के बीच में ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, वही सिक्स्थ केस, स्पेशल केस ऑफ कॉन्वेक्स लेंस। क्या होगा, रे पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस कहां से जाएगी, फोकस से, एक ऑप्टिकल सेंटर से भेज दो, क्या दोनों लाइट रेज रियलिटी में कभी मीट करेंगी, नहीं, बिल्कुल वर्चुअल इमेज बनाती है सेम साइड, तो यहां कहीं एक बनेगी इसकी बेटा वर्चुअल इमेज, जिसको हम नाम दे देंगे ए डबल डैश बी डबल डैश। ऐसी ही कुछ कहानी माइक्रोस्कोप में थी, लेकिन याद रखना माइक्रोस्कोप टिनी पार्टिकल्स को मैग्नीफाइड करता है, ये इंफिनिटी पर बहुत दूर जो ऑब्जेक्ट है उनकी डिस्टेंस घटाता है, याद रखना इस चीज को, ठीक है। चलो अब थोड़ा सा नामकरण कर लेते हैं इनका, क्योंकि यूज करेंगे, ये ऑप्टिकल सेंटर है ओ, इसको ओ वन मान लो, इस ऑप्टिकल सेंटर को ओ टू मान लो, है ना, ये हमारी क्या है, यहां से यहां तक की डिस्टेंस है फोकल लेंथ ऑफ ऑब्जेक्टिव लेंस एफ ओ, दिस डिस्टेंस इज, अब याद करो पहला लेंस जो इमेज बनाता है वो दूसरे लेंस के लिए एज अ वर्चुअल ऑब्जेक्ट होता है, तो ये होगा ऑब्जेक्ट फॉर आई पीस लेंस, ऑब्जेक्ट फॉर आई पीस लेंस। अब बात आती है हमें निकालना क्या है, हमें निकालना है एम, एम क्या होता है बीटा बाय अल्फा, इफ अल्फा एंड बीटा आर वेरी स्मॉल एंगल, कहानी बेटा सेम चल रही है जो माइक्रोस्कोप में थी वही सेम, अल्फा और बीटा बहुत स्मॉल एंगल है तो ये टेन अल्फा और टेन बीटा के इक्वल हो जाएंगे, तो यहां से एम आ जाता है हमारा टेन बीटा बाय टेन अल्फा। अब यहां से हम पहले बीटा और अल्फा पहचान लेते हैं, देखो यहां कहीं हमारी आंख है जो फाइनल इमेज को देख रही है, फाइनल इमेज ये रही, एंगल सबटेंडेड बाय आर आई टू द फाइनल इमेज, ये होता है बीटा, हमारी आंख से फाइनल इमेज का जो एंगल बन रहा है वो बीटा होता है, और यहां अगर बिना लेंसेज के यहां से हम अपनी आई रखें, यहां से ऑब्जेक्ट को देखें तो ऑब्जेक्ट का एंगल बनता है अल्फा, ये होगा हमारा अल्फा ऑब्जेक्ट का एंगल, ये हो गया बीटा इमेज का एंगल। चलो यहां तक कोई दिक्कत नहीं है, अब ध्यान से सुनना मेरी बात, देखो ये अल्फा है तो ये भी अल्फा होगा, वर्टिकली अपोजिट एंगल है बेटा, ये अल्फा है तो ये भी अल्फा है, इस ट्राइंगल से हम टेन अल्फा की वैल्यू निकाल लेंगे और इस ट्राइंगल से टेन बीटा की वैल्यू निकाल लेंगे, बहुत आसान है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, और ये भी हो जाएगा परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो यहां निकालते हैं बेटा एम की वैल्यू। देखो एम इज इक्वल्स टू क्या है, टेन बीटा, टेन बीटा क्या होगा ए डैश बी डैश अपॉन बी डैश ओ टू, ए डैश बी डैश अपॉन बी डैश ओ टू, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ऐसे ही अपॉन टेन अल्फा की वैल्यू परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ए डैश बी डैश अपॉन बी डैश ओ वन, बी डैश ओ वन, बी डैश से बी डैश कटा, एम आया बी डैश ओ वन, ये ऊपर चला गया अपॉन बी डैश ओ टू, इनकी वैल्यू बता दो बेटा, बी डैश ओ वन है फोकल लेंथ ऑफ ऑब्जेक्टिव लेंस, बी डैश ओ टू है बेटा ऑब्जेक्ट डिस्टेंस फॉर आईपीस लेंस, दैट इज द मैग्नीफाइंग पावर ऑफ एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप, यही होती है बेटा मैग्नीफाइंग पावर ऑफ
एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप। फटाफट से इतना नोट कर लो बेटा, फटाफट से इतना नोट कर लो। आगे इसमें हम केसेस करेंगे, दोनों केसेस पढ़ेंगे, रिलैक्स्ड आई के लिए भी और स्ट्रेन्ड आई के लिए भी। फटाफट नोट कर लो। चलो बेटा हो गया इतना नोट। अब बेटा इसमें हमें क्या पढ़ने हैं, केसेस पढ़ने हैं। तो पहला केस देखते हैं, केस नंबर वन। केस नंबर क्या होता था बेटा, जब मैक्सिमम मैग्नीफाइड का केस हो, या उसको हम बोलते थे स्ट्रेन्ड आई। स्ट्रेन्ड आई का मतलब जब फाइनल इमेज हमारी डिस्टिंक्ट विजन माइनस डी पर बन रही हो और ऑब्जेक्ट हमारा ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हो विद साइन कन्वेंशन। वही सेम माइक्रोस्कोप वाला खेल है, कुछ नहीं करेंगे। अब आई पीस लेंस के लिए क्या लगाएंगे, लेंस फॉर्मूला लगाएंगे, 1/FE = 1/VE - 1/UE। साइन कन्वेंशन के साथ इनकी वैल्यू रख दो, 1/FE = 1/-KD - 1/UE। ये हो जाएगा 1/UE की वैल्यू हो जाएगी बेटा 1/FE + 1/D। सेम एज इट इज जो माइक्रोस्कोप में किया था, सेम एज इट इज वही केस बेटा फिर से कर रहे हैं। मैक्सिमम मैग्नीफाइड केस याद करो, जब फाइनल इमेज जो है डिस्टिंक्ट विजन यानी 25 सेंटीमीटर बहुत पास हम देखना चाह रहे हैं तब का केस है, उस समय स्ट्रेन्ड आई होती है। तो 1/UE की वैल्यू ये आ गई। अब यहां देखो 1/UE की जगह इस वैल्यू को रख दो, 1/UE की जगह अगर इस वैल्यू को रख दें तो मैग्निफिकेशन हमारा आ जाएगा FO × 1/FE + 1/D। और अगर यहां से 1/FE हम कॉमन ले लें तो ये हो जाएगा FO/FE + FE/D। यही होता है बेटा मैग्नीफाइंग पावर ऑफ टेलीस्कोप, मैग्नीफाइंग पावर ऑफ टेलीस्कोप फॉर मैक्सिमम मैग्नीफाइड इमेज या स्ट्रेन्ड आई के लिए। पहला केस हमारा हो गया। इसी के साथ साथ दूसरा केस भी देख लेते हैं, ये भी बिल्कुल सेम उसी की तरह है, केस नंबर टू। केस नंबर टू का नाम क्या था, रिलैक्स्ड आई, या इसको कहते थे नॉर्मल एडजस्टमेंट। नॉर्मल एडजस्टमेंट में क्या होता था बेटा, फाइनल इमेज बनेगी इन्फिनिटी पर, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस माइनस का यूई, है ना, साइन कन्वेंशन के साथ। फिर से यहां क्या लगाएंगे, लेंस फॉर्मूला लगाएंगे, 1/FE = 1/VE - 1/UE। कोई दिक्कत, साइन कन्वेंशन के साथ वैल्यू पुट कर दो, 1/FE = 1/-∞ - 1/UE। यहां से सीधा सीधा FE जो इक्वल आ जाता है UE के इक्वल आ जाता है। तो यहां हम UE की जगह क्या रख सकते हैं बेटा, UE की जगह रख सकते हैं FE। तो मैग्नीफाइंग पावर क्या बन जाएगी, FO/FE, hence proved। ये कब होगा बेटा, ये तब होगा जब फाइनल इमेज इंफिनिटी पर बन रही होगी, रिलैक्स आई होगा, नॉर्मल एडजस्टमेंट का केस होगा। बात समझ आई, ये केस वन, ये केस टू। जैसे हमने कंपाउंड माइक्रोस्कोप किया था, सेम एज इट इज ही बेटा प्रूफ है एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप का। चलो नोट कर लो इसको फटाफट से, फिर आगे बताते हैं। अब क्या बचा हमारे पास, कैसीग्रेन टेलीस्कोप और न्यूटोनियन टेलीस्कोप को फटाफट से समझा देते हैं। उन दोनों में कोई प्रूफ भी नहीं है, देखो इसमें तो डेरिवेशन किया है, दोनों फॉर्मूले बनाए हैं, उसमें कोई डेरिवेशन नहीं है, सिर्फ कंस्ट्रक्शन देखनी है रिफ्लेक्टिंग टाइप टेलीस्कोप की। फटाफट नोट कर लो इसको। चलो ठीक है, आगे चलते हैं, आगे चलते हैं। ये तो था रिफ्लेक्टिंग टाइप टेलीस्कोप, अब पढ़ेंगे बेटा रिफ्लेक्टिंग टाइप टेलीस्कोप। देखो रिफ्लेक्टिंग टाइप टेलीस्कोप में क्या होगा, रिफ्लेक्टिंग टाइप टेलीस्कोप में तो रिफ्लेक्शन होगा, रिफ्लेक्शन होगा तो हम मिरर का यूज करेंगे। चलो तो मिरर का यूज करते हैं और पहले पढ़ते हैं कैसीग्रेन टेलीस्कोप। देखो कुछ नहीं पढ़ना, मतलब कुछ नहीं देखना, कैसीग्रेन और न्यूटोनियन दोनों में कोई डेरिवेशन नहीं है, कोई फॉर्मूला वगैरह कुछ कोई करना नहीं है आपको, कोई न्यूमेरिकल नहीं, सिर्फ कंस्ट्रक्शन देखनी है। और लास्ट टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा कि रिफ्लेक्टिंग टाइप क्यों अच्छे हैं रिफ्रेक्टिंग टाइप से। देखो पहले इनकी कंस्ट्रक्शन देख लें एक बार जल्दी से फटाफट, बहुत आसान सी है, कुछ नहीं किया इस बार हमने, लगाया एक मिरर, एक लगाया हमने क्या
कॉनकेव मिरर, हमने लेंस को रिप्लेस कर दिया मिरर से, और क्या किया इस कॉनकेव मिरर के मिड में, इस कॉनकेव मिरर के मिड में एक होल कर लिया, इस कॉनकेव मिरर के मिड में बेटा एक होल कर दिया। अब क्या होगा, सपोज ये टेलीस्कोप है हमारा, क्या होगा इन्फिनिटी पर ऑब्जेक्ट है, इन्फिनिटी से कुछ लाइट रेज आएंगी, इन्फिनिटी से कुछ लाइट रेज आएंगी बेटा, ऐसा ही कुछ होगा, ये लाइट रेज बेटा फोकस पे कन्वर्ज होना चाहती हैं। भाई कॉनकेव मिरर क्या है, कॉनकेव मिरर एक कन्वर्जिंग मिरर है जो पैरेलल लाइट रेज को फोकस पे कन्वर्ज करेगा, लेकिन हमने बीच में लगा दिया एक कॉनवेक्स मिरर, बीच में हमने लगा दिया एक कॉनवेक्स मिरर, और यहां है सपोज इस कॉनकेव मिरर का फोकस, फोकस ऑफ ऑब्जेक्टिव, ये ऑब्जेक्टिव कॉनकेव मिरर है हमारा, ठीक है। अब होगा क्या, ये जो लाइट रेज आई हैं इन्फिनिटी से, ये इन लाइट रेज को कन्वर्ज करना चाहेगा फोकस पे, है ना, ये इन लाइट रेज को बेटा कन्वर्ज करना चाहेगा फोकस पे, ऐसी कुछ कहानी होगी, लेकिन बीच में हमने लगा दिया है, बीच में हमने लगा दिया है कॉनवेक्स मिरर, कॉनवेक्स मिरर जो क्या कर देगा, इनको रिफ्लेक्ट कर देगा इधर, कॉनवेक्स मिरर ने इन दोनों लाइट रेज को बेटा रिफ्लेक्ट कर दिया और एक पॉइंट साइज इमेज बना दी यहां पे, जो इन्फिनिटी पर हमारा एक ऑब्जेक्ट था, वहां से दो पैरेलल लाइट रेज आई, कॉनकेव मिरर ने उनको फोकस पे कन्वर्ज करना चाहा, लेकिन बीच में हमने लगा दिया एक कॉनवेक्स मिरर, इसने इन लाइट रेज को यहां जाके मीट करा दिया और एक पॉइंट साइज इमेज बना दी। अब इस पॉइंट साइज इमेज को हम सिंपल अपनी कॉनवेक्स लेंस की हेल्प से, कॉनवेक्स लेंस की हेल्प से यहां से आराम से इसको देख सकते हैं। ये था बेटा सिंपल सा आपका कैसीग्रेन टेलीस्कोप, कोई दिक्कत नहीं है इसमें, आपको कोई प्रूफ प्रूफ नहीं करना, कोई डेरिवेशन नहीं करना, कुछ नहीं करना, बस इसकी कंस्ट्रक्शन देखनी है। हमने क्या किया, हमने लेंसेज को हटा के मिरर्स का यूज किया, इसलिए रिफ्लेक्टिंग टाइप टेलीस्कोप है और ये रिफ्रेक्टिंग टाइप से अच्छा है, वो सब बातें मैं अभी बताऊंगा, पहले सेकेंड पार्ट भी देख लेते हैं इसका फटाफट से। सेकेंड क्या था बेटा हमारा, सेकेंड पढ़ना था हमें न्यूटोनियन टेलीस्कोप। देखो न्यूटोनियन में क्या है, वो भी कुछ कुछ ऐसा ही है, न्यूटोनियन में क्या होगा इसको नोट कर लो पहले फटाफट से, दो मिनट हो गया। देखो देखो न्यूटोनियन में क्या हो जाएगा, अगर मैं बात करूं इसी में कर देते हैं, थोड़ा सा डिफरेंट है, इसी में कर देते हैं, इसमें क्या होगा न्यूटोनियन में, न्यूटोनियन में क्या होगा, न्यूटोनियन में क्या हुआ, हमने एक मिरर जो लिया कॉनकेव मिरर, उसमें इस बार कोई होल नहीं किया बीच में, है ना, दो लाइट रेज आई, है ना, दो लाइट रेज आई इन्फिनिटी से, दोनों फोकस पे मिलना चाहती हैं, दोनों जाके फोकस पे मिलना चाहती हैं, लेकिन क्या किया न्यूटोनियन टेलीस्कोप में, हमने एक प्लेन मिरर लगा दिया, न्यूटोनियन टेलीस्कोप में हमने एक प्लेन मिरर लगा दिया, प्लेन मिरर लगा दिया, प्लेन मिरर क्या करेगा, ये जो लाइट रेज आना चाह रही हैं इस पे, एक यहां से ये आना चाह रही है, एक यहां से ये आना चाह रही है, सही तो कुछ खेल है ना, ये दोनों आके यहां कहीं फोकस पे मिलना चाह रही हैं, है ना। अब क्या करेगा, बीच में हमने लगा दिया एक प्लेन मिरर, ये प्लेन मिरर इन लाइट रेज को रिफ्लेक्ट कर देगा, इसको यहां रिफ्लेक्ट कर देगा, ये टकरा के यहां रिफ्लेक्ट हुई, यहां कहीं जाके इसकी बनी एक इमेज, ऐसी कुछ कहानी हो जाएगी। इस बार कुछ नहीं किया, जो हम कॉनवेक्स मिरर से काम कर रहे थे, जो हम कैसीग्रेन में कॉनवेक्स मिरर से काम कर रहे थे, उसके लिए हमें यहां एक होल करना पड़ रहा था, ये होल ना किया जाए इस वजह से हमने कॉनवेक्स हटा के प्लेन मिरर लगा दिया, प्लेन मिरर ने लाइट रेज को नीचे की तरफ भेज दिया, यहां जाके मीट कर रही है और यहां बन गई इमेज। इसको हम क्या करेंगे, इसको हम यहां से एक कॉनवेक्स लेंस लगा लेंगे, एक कॉनवेक्स लेंस लगा लेंगे और इजीली इसकी इमेज हम यहां से अपनी आई से देख सकते हैं, कुछ नहीं हुआ, ये लाइट रेज प्लेन मिरर ने नीचे की तरफ भेज के वहां मीट करवा दिया, तो जो इमेज यहां होल में बन रही थी पहले, अब होल ना होके और नीचे बनने लगी, कुछ नहीं हुआ, कॉनवेक्स की जगह प्लेन मिरर का यूज कर लिया, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ये थे हमारे दोनों रिफ्लेक्टिंग टाइप टेलीस्कोप। देखो रिफ्रेक्टिंग टाइप भी मैंने आपको पढ़ा दिया, एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप,
और रिफ्लेक्टिंग टाइप भी बता दिए, कैसीग्रेन और न्यूटोनियन दोनों, इन दोनों की तो सिर्फ कंस्ट्रक्शन देखनी थी, इसमें कोई फॉर्मूला वॉर्मूला नहीं है। मेन टॉपिक ये है, जो मेन क्वेश्चन एग्जाम में हर बार पूछा जा रहा है, कि इन रिफ्रेक्टिंग टाइप और इन रिफ्लेक्टिंग टाइप, दो पढ़े ना हमने टेलीस्कोप, रिफ्रेक्टिंग टाइप टेलीस्कोप और रिफ्लेक्टिंग टाइप टेलीस्कोप, पूछा जाता है विच वन इज बेस्ट एंड वाई, कौन सा अच्छा है और क्यों। ठीक है बेटा, ये क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में बार बार पूछा जा रहा है कि रिफ्रेक्टिंग टाइप टेलीस्कोप और रिफ्लेक्टिंग टाइप टेलीस्कोप दोनों में से कौन सा अच्छा है और क्यों अच्छा है। तो बेटा इसका आंसर है बेटा रिफ्लेक्टिंग टाइप टेलीस्कोप जो है वो बेस्ट है, यानी रिफ्लेक्टिंग टाइप टेलीस्कोप जो है अच्छा है रिफ्रेक्टिंग टाइप टेलीस्कोप से। व्हाई, अब रीजन सुनना इसका। पहला रीजन ये है कि इन रिफ्रेक्टिंग टाइप टेलीस्कोप में क्या यूज होता था बेटा, रिफ्रेक्टिंग टाइप टेलीस्कोप में लेंस यूज होता था, याद करो, रिफ्रेक्टिंग टाइप टेलीस्कोप में लेंस यूज होता था। और मिरर के कंपैरिजन में देखो, ज्यादा लाइट रेज हमें कन्वर्ज करनी थी, जो हम एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप में लेंस का यूज कर रहे थे, ऑब्जेक्टिव लेंस का यूज कर रहे थे, वो बहुत बड़ा ले रहे थे आई लेंस के कंपैरिजन में, याद करो, ऑब्जेक्टिव बड़ा था, ज्यादा से ज्यादा लाइट रेज को वो कलेक्ट कर सके, कन्वर्ज कर सके, इसीलिए तो ज्यादा अगर बिग साइज का लेंस लेते थे ऑब्जेक्टिव लेंस रिफ्रेक्टिंग टाइप टेलीस्कोप में, तो उसको माउंट करना या उसको मैकेनिकल सपोर्ट देना, उसको मैकेनिकल सपोर्ट। देखो बेटा, इतना सा लेंस हो तो कोई दिक्कत नहीं है, इतने बड़े बड़े लेंस ग्लास के बने हुए, मोटे मोटे, बड़े एपरेचर के, बहुत भारी होते हैं, उनको माउंट करना इजीली, उनको मैकेनिकल सपोर्ट देना बहुत ज्यादा मुश्किल होता था, बहुत ज्यादा हार्ड होता था, इस वजह से मिरर, अब इसके कंपैरिजन में अब मिरर लगने लगे, इस लेंस के कंपैरिजन में हमने कॉनकेव मिरर का यूज किया, कॉनकेव मिरर इसके कंपैरिजन में हल्का है बेटा, इसके कंपैरिजन में स्मॉल है, वेट में अगर देखा जाए तो बहुत हल्का है, तो लेंस की जगह हमने मिरर यूज किया, एक तो ये फायदा है रिफ्लेक्टिंग टाइप टेलीस्कोप का। दूसरी चीज ये बेटा, रिफ्लेक्टिंग टाइप टेलीस्कोप में क्या है, क्रोमेटिक एबिरेशन जो है वो नहीं होता, रिफ्लेक्टिंग टाइप टेलीस्कोप में, फिर से बता रहा हूं, क्रोमेटिक एबिरेशन नहीं होता। लेंस का अगर यूज करें तो लेंस में क्रोमेटिक एबिरेशन होता था। अभी क्रोमेटिक एबिरेशन है क्या, सुनना ध्यान से, देखो लेंस है लेंस का यूज कर रहे थे ना हम, अब लेंस किस चीज का बना हुआ होगा, लेंस जो है ग्लास का बना हुआ होगा, अब अलग अलग लाइट रेज इस लेंस पे आ रही होंगी, कोई ग्रीन कलर की, कोई रेड कलर की, है ना, सबकी वेवलेंथ अलग होगी, तो वो सब अलग अलग फोकस पे कन्वर्ज हो रही होंगी, ये यहां हो गई, कोई यहां आई तो वो यहां हो गई, अब फोकस पे अलग अलग कन्वर्ज होंगी तो इमेज कैसे बन जाएगी बेटा, इमेज तो ब्लर सी रह जाएगी, फिर ब्लर बनेगी, बात को समझो ध्यान से। लेंस में मीडियम चेंज होता है, बाहर एयर है, लेंस ग्लास का बना हुआ है, रेयर से डेंसर लाइट रे जाती है, अलग अलग कलर की अगर आ रही है, कोई ग्रीन है, कोई रेड है, विबगी और अलग अलग कलर होते हैं ना, जो लाइट रे आ रही है तो वो अलग अलग फोकस पे कन्वर्ज होगी, अलग अलग फोकस पे कन्वर्ज होगी तो जो फाइनल इमेज बन के आएगी वो ब्लर दिखाई देगी, इसको बोलते हैं क्रोमेटिक एबिरेशन। ये किस में होता है, ये लेंसेज में होता है, क्योंकि वहां डेंसर मीडियम होता है, लेंस में मीडियम चेंज हो रहा होता है, रिफ्रेक्शन हो रहा होता है, हमने इसकी जगह मिरर यूज किया, मिरर में तो मीडियम चेंज ही नहीं होता, लाइट रिफ्लेक्ट होती है तो क्रोमेटिक एबिरेशन का खेल ही खत्म। इसलिए बेटा रिफ्रेक्टिंग टाइप टेलीस्कोप से अच्छे हैं। ये था आंसर इस क्वेश्चन का,
क्यों? क्योंकि रिफ्रेक्टिंग टाइप में क्या होता था, लेंस यूज करते थे, बड़े बड़े लेंसेज होते हैं, एपरेचर बड़ा होता है, एपरेचर बड़ा होता है तो उनको माउंट करना, मैकेनिकल सपोर्ट देना बहुत मुश्किल का काम है, इसलिए उनकी जगह मिरर आया। मिरर आया तो हल्का था, इजीली माउंट हो गया, एक पॉइंट तो ये बना। दूसरा पॉइंट, लेंसेज का अगर यूज करते हैं तो क्रोमेटिक एबिरेशन बहुत होता है, अलग अलग कलर की लाइट अलग अलग फोकस पे कन्वर्ज होती है क्योंकि मीडियम चेंज हो रहा है, रिफ्रेक्शन हो रहा है। इसकी जगह हमने रिफ्लेक्टिंग टाइप लगाया यानी मिरर लगाया, इसमें तो कोई मीडियम चेंज नहीं हो रहा, सेम मीडियम है तो कोई क्रोमेटिक एबिरेशन नहीं होता। ये था इस क्वेश्चन का आंसर, बोर्ड एग्जाम में हर साल पूछा जा रहा है ज्यादातर। ठीक है बेटा, यहां से हमारा टेलीस्कोप का पार्ट बिल्कुल खत्म, और पूरी पूरी उम्मीद है ऑप्टिक्स के सारे टॉपिक हमने आपको कवर करा दिए, पूरी रे ऑप्टिक्स खत्म कर दी। नेक्स्ट वीडियो से बेटा हम वेव ऑप्टिक्स स्टार्ट करेंगे, पूरी रे ऑप्टिक्स को अच्छे से पढ़ो, अच्छे अच्छे नोट्स बनाओ, क्वेश्चन सॉल्व करो। थैंक यू, ऑल द बेस्ट बेटा, पढ़ते रहो अच्छे से।